हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, पश्चातवर्ती असंभाविता। तो अब अगर अपन बात करें, अपन कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बना ले, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना ले जिसमें क्या हो, इम्पॉसिबिलिटी हो, जिसको परफॉर्म करना पॉसिबल ना हो, तो क्या वो वैलिड होगा। अपन पहले भी डिस्कस कर चुके इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर एक एग्रीमेंट में इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। वो कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट अगर अपन बात करें तो अगर किसी भी एग्रीमेंट में इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो वो एग्रीमेंट कैसा होगा, वॉइड एब इनिशियो, कैसा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके की होगी। अगर मैं इम्पॉसिबिलिटी की बात करूं, नॉर्मल इम्पॉसिबिलिटी की बात करता हूं, तो इम्पॉसिबिलिटी सबसे पहले इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, कौन सी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, प्रारंभिक असंभवता। इनिशियल का मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना, जब आपने एग्रीमेंट बनाया था उसी टाइम उसको परफॉर्म करना कैसा था, इम्पॉसिबल था। तो मुझसे क्या कहूंगा, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इसके भी अगर अपन टाइप्स की बात करें तो इसके तीन टाइप्स हो सकते हैं, इफ नॉन टू पार्टीज, दूसरा मैं कहूं इफ नॉट नोन टू पार्टीज, या तीसरी मैं बात करूं ओनली प्रोमिसर नोन। तीन केस हो गए। ध्यान रखना कि अगर दोनों पार्टी को पता हो कि जो वो एग्रीमेंट बनाने जा रहे हैं वो पहले से ही कैसा है, इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल सीधा सा, ए और बी ने एक एग्रीमेंट बनाया कि ए एक घंटे में दिल्ली से मुंबई तक पैदल चला जाएगा और बदले में वो उसे 1,00,000 रुपये पे करेगा। ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट बनाया कि ए एक घंटे में दिल्ली से मुंबई पैदल चला जाएगा और बी बदले में उसे 1,00,000 रुपये देगा। दोनों को पता है कि ये कैसा है, इम्पॉसिबल है। तो इफ नॉन टू बोथ पार्टीज, अगर दोनों को पता हो देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइड होगा, बेकार होगा। क्यों, क्योंकि एक्ट कैसा है, इम्पॉसिबल है। दूसरा, इफ नॉट नोन टू द पार्टीज, अगर दोनों ही पार्टीज को ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी गाय बेचने के लिए किसी के साथ एग्रीमेंट करता हूं कि मैं अपनी गाय 10,000 रुपये में तेरे को बेचूंगा। उसने कहा हाँ मैं खरीद लूंगा, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि वो गाय पहले ही मर चुकी है। एग्रीमेंट बनाने से पहले वो गाय मर चुकी है, नहीं सामने वाले को पता है कि वो गाय मर चुकी है। तो इट मीन्स इफ नॉट नोन टू द पार्टीज, तो इफेक्ट क्या होगा, इसका भी सेम इफेक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, व्यर्थ, कोई भी पार्टी उस पर एक्शन नहीं ले पाएगी। और तीसरा, ओनली प्रोमिसर नोन, मैं उसी एग्जांपल की बात करूं, मैंने कहा था कि मैं अपनी गाय 10,000 रुपये में बेचूंगा, सामने वाले ने कहा ठीक है, मेरे को पता था कि गाय मर चुकी है। इट मीन्स मर चुकी है तो उसको कैसे बेचा जाएगा, वो तो कैसा हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो अगर एक पार्टी को पता हो और दूसरी को नहीं, तो जिस पार्टी को पता है वो दूसरी पार्टी को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। इट मींस ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। जिसकी जिसको नहीं पता था इस इम्पॉसिबिलिटी का, उसकी डिजायर पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने कौन सी इम्पॉसिबिलिटी की है, इनिशियल, जो शुरू से ही वो इवेंट कैसा हो, इम्पॉसिबल हो। उसमें तीन केसेस, इफ नोन टू द पार्टीज, अगर दोनों को पता हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइड। अगर दोनों को ना पता हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइड। इट मींस उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। सिर्फ प्रोमिसर को पता हो तो उस केस में जिसको नहीं पता है उसकी डिजायर पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। क्लियर है। अब जो अपना अगला टॉपिक आएगा वो आएगा दूसरा, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या आएगा, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जो अपना टॉपिक है यहां पर ने डिस्कस किया है, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इसको हिंदी में कहा जाएगा पश्चातवर्ती असंभाविता। अब ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या है, ध्यान रखना, इसी का दूसरा नाम इन इंग्लैंड इसे कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हिंदी में निराश्यता का सिद्धांत, और अपने इंडिया में इसे क्या कहा जाता है, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, जब एग्रीमेंट बनाया गया था, वो कैसा था, वैलिड था, लेकिन आफ्टर
समटाइम या कुछ सर्कमस्टेंसेज के कारण उसको कोई भी पार्टी एनफोर्स नहीं करा सकती, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई, सर्कमस्टेंसेज ऐसी क्रिएट हो गई कि अब उसको परफॉर्म करना कैसा हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है, तो उसे मैं क्या कहूँगा, सुपरवेनिंग। देखो नाम से पता चल रहा है पश्चातवर्ती, मीन्स जब बनाया था तब तो वैलिड था, लेकिन कुछ सिचुएशंस के कारण बाद में उसको परफॉर्म करना कैसा हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट बनाया कि मैं तेरे को 10 किलो पॉलीथीन सप्लाई करूंगा। जिस टाइम एग्रीमेंट बनाया था पॉलीथीन बैन नहीं थी, इट मींस ये एग्रीमेंट कैसा था, वैलिड था, लेकिन जिस दिन डिलीवरी होनी थी उससे 10 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने पॉलीथीन की सप्लाई पे बैन लगा दिया। क्या अब ये पूरा हो सकता है? अब अगर ये पूरा करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, इलीगल हो गया, और इलीगल के बेसिस पे कैसा हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो इट मींस जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था तब वो कैसा था, वैलिड था, लेकिन बाद में सर्कमस्टांसिस के कारण वो कैसा हो जाए, परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए, तो उसे मैं क्या कहूँगा, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट बनाया कि मैं अपनी शादी के लिए उसका हॉल किराए पे लेता हूँ, ठीक है, जिस दिन शादी थी उस दिन एक दिन पहले ही हॉल में आग लग गई, क्या इस एग्रीमेंट को, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल है? जब बनाया गया था तब तो ये वैलिड था, इसको परफॉर्म करना पॉसिबल था, लेकिन जैसे ही आग लग गई वो डिस्ट्रॉय हो गया, इट मीन सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब इसको पूरा नहीं किया जा सकता, तो वो भी क्या हो जाएगा, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के बेसिस पे कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि हर एक चीजों को सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं कर सकते, या कुछ चीजें जिनको सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट करेंगे या नहीं, अपन वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ये कहा था कि भैया मैं तेरे को 10 बोरी शुगर चीनी की सप्लाई करूंगा, इसने कहा मैं तेरे को 1000 रुपये पर बोरी के हिसाब से पे कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, भाई शुगर सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस डेट से पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि शुगर से कोई बहुत बड़ी बीमारी की मेडिसिन क्रिएट की जा सकती है। रातों रात शुगर 1000 रुपये पर बोरी के बजाय 10,000 रुपये पर बोरी हो गई, क्लियर, रेट बढ़ गए। इस बंदे ने कहा, ए ने, कि भाई मैं बोरी सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि ये 1000 रुपये के बदले कितने की हो गई, 10,000 रुपये के लिए, अब ये मेरे लिए क्या हो चुका है, इम्पॉसिबल हो चुका है, तो क्या इसको सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी के बेसिस पे वही डिक्लेयर किया जाएगा? तो एक बात ध्यान रखना, इम्पॉसिबल मीन्स इम्पॉसिबल, नॉट कॉस्टली। इम्पॉसिबल का मतलब क्या, इम्पॉसिबल ही होना चाहिए, महंगा नहीं। यहाँ पे इसके लिए महंगा जरूर हो गया है, 1000 रुपये के बदले 10,000 रुपये की बोरी हो गई, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तो इस केस में इसे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं किया जाएगा। इट मीन्स प्राइसेस का इन्फ्लेशन अप और डाउन कभी भी इम्पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं होगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कॉमर्शियल कोई डिफिकल्टी आ जाए, लाइक ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट बनाया कि वो उसे 1000 बैग सप्लाई करेगा, ठीक है, बैग बनाने वाले जिसमें अपन स्टेशनरी रखते हैं, बैग सप्लाई करेगा, इसने काम में पे कर दूंगा, ठीक है, लेकिन एक ही फैक्ट्री में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी और गुड्स जो है, बैग जो है वो उस टाइम पे नहीं बन पाए। अब ए ने बी को कहा कि भाई मेरे लिए तेरे को डिलीवरी देनी क्या हुई है, इम्पॉसिबल हो गई है, क्यों, क्योंकि मेरे वर्कर्स ने तो क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी, तो क्या इसे सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? तो देखो यहां भी अपन ने क्या डिस्कस किया, इम्पॉसिबल मीन्स इम्पॉसिबल, नॉट डिफिकल्ट। यहाँ डिफिकल्ट जरूर हो गए, इम्पॉसिबल नहीं। तो इस केस में भी इसको सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं किया जाएगा और उसे बैग सप्लाई करने पड़ेंगे, भले ही ये कहीं दूसरी जगह से लाके दे। तो जब भी कोई स्ट्राइक या लेआउट हो जाता है तो उसे भी सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं किया जाता। सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी मीन्स इम्पॉसिबल, नॉट कॉस्टली। तो अगर इम्पॉसिबल हो गया है तो ही आप उसे किस में काउंट करोगे, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में, और जब भी इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, क्लियर है। तो ये था अपना क्या, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।